आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये प्लग आ गया, ये देख सकते हैं वीडियो में आप, ये यहाँ लगा दी। अब भाई आपका जो स्टॉक वूफर है ये तो एंड कर दिया गांव आपने। और आपका ये मोनोएम्प्लीफायर है, हाँ। ये 7 मेगा की जो हमने वूफर के लिए यूज कर रहे हैं। और आपका बीकॉन, ये आपका बीटी मतलब जो जैसे ब्लूटूथ हो गया कि जैसे कि इससे डिवाइस करके हम इसे डायरेक्ट चला सकते हैं। तो भैया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और जो भी इन्होंने वर्क किया हमारी गाड़ी में, जो सेटअप लगाया बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मतलब आवाज़ आ रहा है। पहले एक जगह हमने लगवाया था उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था आवाज़ में, अच्छा बहुत खिर-फिर आवाज़ आ रही थी। ये अपना भाई, ये तुम्हारी हमारी है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रवि सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए ड्रीम ऑडियो चंदू भैया के पास। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2022 टाटा सफारी, जो कि अपना डार्क एडिशन रहने वाली है। चंदू भैया, इस गाड़ी में आप क्या क्या सेटअप आज तैयार किया आपने? इसके अंदर भैया इनका ऑडियो काम पहले भी हो रखा है, अच्छा तो ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा हाई एंड ऑडियो चाहिए, हाँ। तो इसके अंदर मैं जो सेलेक्ट किया ऑडिशन किया सारी चीज ठीक है, और उसके ऑडिशन के अंदर भी SQ सेटअप कर रहा हूँ और एक्टिव कर रहा हूँ। एक बार दिखाओगे क्या क्या आपने इसमें अंदर तो लगाया है? इसमें जो एक्टिव होता है और जो पैसिव होता है, मैंने बाहर वीडियो में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे अगर आवाज अच्छी चाहिए तो मेरे को सबसे अच्छा एक्टिव ही लगता है। अच्छा, तो जो एक्टिव है आपका आगे 3-way एक्टिव करेंगे, ठीक है, और जो रियर की है उसको हम पैसिव करेंगे जो 2-way है, ठीक है। तो सारा चीज जो हम करेंगे वो आप सबको दिखा देता हूँ। एक बार मेरे को दिखा दो, हमने गाड़ी में भी लगाया क्या क्या है। ऑडिशन का सारा मतलब सेटअप ऑडिशन का ही रहने वाला है? ऑडिशन का ही है, ऑल मान को ऑडिशन ही। चलो एक मोनो एम्पलीफायर और बूफर हम ग्रेड कुछ और कर रहे हैं, अच्छा। जो सबसे मैंने अगले वीडियो में किया हुआ था, जो गाड़ी आपकी वहाँ से आई थी लखनऊ से, हाँ। तो वही आपके एम्पलीफायर हम इसमें भी लगा रहे हैं। तो ये आपका 8 चैनल एम्पलीफायर और 9 चैनल DSP रहता है। अच्छा, इसके अंदर इनबिल्ट ही रहता है? हाँ, इसके अंदर क्या है कि 8 चैनल एम्पलीफायर है और 9 चैनल DSP है। अच्छा। इससे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि हमें 2 4 चैनल की जगह हमें 1 4 चैनल मिल गया। अच्छा। अगर आप 9 चैनल DSP के लिए हमें 1 DSP मिल गया तो काफ़ी, अगर एक्टिव सेटअप करते हो तो काफ़ी बेटर चीज़ है ये कि हमारे ऑप्शन मिल गया आपका 2 4 चैनल का, हाँ। और आपका 9 चैनल DSP का। तो जो आपका DSP और अगर बात करें 4 चैनल की, तो आपको 8 चैनल तो इसके अंदर इनबिल्ट DSP हो गया आपको 4 चैनल की, और 9 चैनल DSP आउट हो गया आपका मोनो एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो आपको दिखा भी देता हूँ मैं इसके अंदर, आपको खोल कर अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। ये सारा पेपर वर्क होता है? सारा पेपर, ये आपके वारंटी कार्ड रहता है, ठीक है भाई, कार्ड ही मिलता है, हाँ, क्रेडिट कार्ड। और जो आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ सारी चीज़ें, इतनी चीज़ कोई दिखाते नहीं, लेकिन एक एक चीज़ समझा। सारे लोग कहते हैं चंदू भैया इतनी लंबी क्यों बनाते हैं वीडियो? लंबी नहीं भैया, मैं एक चीज़ ना डिटेल में समझाता हूँ कि कोई भी कस्टमर हो, कोई भाई हो, मतलब अंकल हो, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उसको एक एक चीज़ समझ आए कि क्या लगा रहा है, क्या कह रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं बारीक चीज़ में समझा रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ है। जैसे कि आपका ये हो गया आपका स्पीकर आउट, अच्छा, ये हमारे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैनल हमारा ये स्पीकर आउट हो गए, ठीक है। तो जो 6 चैनल एक्टिव आपका फ्रंट हो गया, हाँ। और रियर 2 हो गया, तो 6 8 8 चैनल आपका ये हो गया, ठीक है। और 9 चैनल अगर DSP की बात करें, भाई 9 चैनल DSP क्या है, हाँ। तो वो चीज़ में मैं आपको अनबॉक्स ये भी चीज़ दिखा देता हूँ, किसी कन्फ्यूजन ना हो कि मतलब 9 चैनल DSP क्या है, 8 चैनल DSP क्या है। आपका जो 8 चैनल आपका एम्पलीफायर के, तो वायर ये हो गया, हाँ, ठीक है जी। जो 9 चैनल DSP है, सब ऊपर आउट लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर कोई आप मोनो एम्पलीफायर अलग से लगाते हैं, हाँ। तो जो RC लीड के आपके इनसे आउटपुट है, RC लीड के यहाँ से आपके मोनो एम्पलीफायर में चली जाएगी, ठीक है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया वो जो भी देख रहे हो। तो 8 चैनल एम्पलीफायर, 9 चैनल DSP। और बात करें इसकी पावर, तो 85 x 8 है,
पर चैनल आरएमएस इसका 85 रहता है। 85 आरएमएस काफी, मतलब कि आप कम ने समझो, हाई एंड ही हो गया। 85 काफी अच्छा होता है। तो आगे आपका एक्टिव हो गया, पीछे पैसिव हो गया। जो आगे एक्टिव कर रहे हैं, जो आपका थ्री वे लगा रहे हैं एक्टिव, वो चीज भी दिखाता हूँ। ये ऑडिशन का टू वे, मैं आपको पहले थ्री वे दिखाता हूँ। अच्छा, थ्री वे भी लगा। थ्री वे का आपका ट्विटर भैया ये हो गया, अपना वो चेगा ही रहने वाला। तो जो हम एक्टिव भी करते हैं उसको क्या क्या होता है, ये आपके हो गया हाई रेंज, जिसे हम हाई कहते हैं। हाँ। हाई पे जाते हैं ट्विटर आपका, ये हाई फ्रीक्वेंसी जो है इस पे लगता है ट्विटर। मजा आ जाएगा लगाने में। हाँ, ये आपका ट्विटर हो गया, जो हमारा पोर्ट पे लगे वो पोर्ट भी दिखाऊंगा आपको अंदर। ठीक है। ये आपका ट्विटर हो गया थ्री वे का, और आपका थ्री वे का ये रहता है मिड मिड, ये आपको मिड भी दिखाता हूँ एक सेकंड। भाई देखो, इसी कारण से अपनी वीडियो लंबी हो जाती है। नहीं नहीं, और ये आपको मीट दिखाता हूँ। मीट भी आपके सारे 3 इंच के रहते हैं। मीट ओपन छोटी सी है, छोटी सी है लेकिन क्वालिटी काफ़ी बेटर है। ये आप ये देख सकते हैं इसकी मैग्नेट, ये आपका मीट हो गया। ठीक है। ये हाई मीट, और ये आपका जैसे हम थ्री बी जो एक्टिव सेटअप करते हैं, हाँ हाँ, तो एक हाई फ्रिक्वेंसी होता है, एक मिड फ्रीक्वेंसी होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी होता है। जितने बारे में कोई बताता नहीं है। हाँ। मैं जो इसको नहीं पता वो भी आप समझ सकते हो। ये हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के हो गया आपका। हाँ, ये लो फ्रीक्वेंसी का आपका हो गया, ये 6 इंच सारे 6 इंच जो स्पीकर है। ठीक है। ये आपका रहता है लो फ्रीक्वेंसी के, जो हमें नीचे से मिड बेस आते हैं। आगे से देखो, इससे आपको वोकल आएगी, और इससे आप बेस, और उससे जो ट्विटर से ट्रेबल। ट्रेबल, ठीक है। ये आपका प्रॉपर मैंने एक्टिव के दिखा दिया आपको, फ्रेंड का। देख रहे हो कितना छोटा और कितना बड़ा। हाँ, मीट है ये तो आपको दिखा दिया मैंने फ्रेंड की। ठीक है। अगर बात करें रियर डोर की, तो जो रियर डोर है हमारे ये टू बे ओचे के है, टू बे है ये कॉम्पोनेंट हो, ये कॉम्पोनेंट है, इसको हम पीछे पैसिव चला रहे हैं। ठीक है। तो जो इसको मैं अनबॉक्स कर दिखाता हूँ आपको, दिखा दो लगना तो है ही गाड़ी के अंदर। हाँ, तो ये आपका रियर डोर के रहते हैं, जो आपको कई वीडियो में दिखा होगा। ये आपका ये ऑलमोस्ट सेम ही है, जो ऑलमोस्ट सेम है, बस इसके अंदर फर्क क्या है कि इसके अंदर एक क्रॉसओवर दिया हुआ है। अच्छा। इसके हम क्या एक्टिव जगह पैसिव करते हैं। पैसिव के मतलब ये है कि हमने एक इनपुट दिए, और एक इनपुट से आपका स्पीकर भी चल गया और ट्विटर भी चल गया। अच्छा। पैसिव के मतलब ये है कि एक इनपुट से दोनों चला। अगर एक्टिव करते हैं तो कम से कम हमें 10 चैनल चाहिए एम्पलीफायर। हमारे पास 8 हाँ, तो हमारे पास 8 चैनल है, तो इसीलिए हमने आगे एक्टिव किए और पीछे पैसिव किए। अगर हमारे पास होते 10 चैनल तो हम पीछे भी एक्टिव ही करते। ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इसको साथ जो मोनो एम्पलीफायर लगा रहे हैं, मोनो एम्पलीफायर हम ये 7 मेगा के लगा रहे हैं। ठीक है। और जो बूफर डीबी ड्राइव का एक बार लाइसेंस चला देगा, इसमें चला देगा। हाँ, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। 300 RMS की बूफर, 400 RMS की बूफर है। अच्छा। ये आपका मोनो एम्पलीफायर है। मोनो एम्पलीफायर है। हाँ, ये आपका मोनो एम्पलीफायर है। ठीक है। अच्छा, एम्प कौन सा इसमें यूज कर रहे हो? एम्पलीफायर 4 चैनल वाला। 4 चैनल नहीं है ना? अच्छा अच्छा, इसके अंदर ही आ गया। ठीक है ठीक है। हाँ, 8 चैनल एम्पलीफायर तो ये हो गया आपका। हाँ, ठीक है। ये जो आपका आरशील आउट दिखा है वो आ गया मोनो एम्पलीफायर पे, जो इनका आरशील पॉइंट है। ठीक है ठीक। अच्छा ठीक है। ये आपको, मोनो हो गया वो अपना। आप यहीं से हम क्या करते हैं कि लैपटॉप कनेक्ट करके आपके सारे सेटिंग यहीं से मोनो एम्पलीफायर का भी हो जाता है, इससे एम का भी हो जाता है। ठीक है। और जो आपका डीवी ड्राइव का वूफर है, 6 इंच के वूफर लगेंगे इसमें, छोटी सा अपना। नहीं, इनबिल्ट नहीं है। इनबिल्ट में क्या होता है कि मोनो एम्पलीफायर नहीं लगाते। ब्रांडिंग थी ना डीवी ड्राइव की। नहीं नहीं, कंपनी प्रिंट बॉक्स है ये। अच्छा। और बाकी 6 इंच की है, तो सफारी के डिक्की की जो जगह काफी कम है। हाँ। तो हमारे 12 इंच 8 इंच में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जो 6 इंच के बूफर की जगह प्रॉपर बन रही है। प्रॉपर आ जाएगी। हाँ जी, प्रॉपर आ जाएगी। और आपका ये 6 इंच के बूफर रहता है, ये भी 400 RMS की है, और पीछे भी है 400 RMS का। हाँ, 400 RMS है। ठीक है। प्रॉपर प्लग इन पे ले आएगी, कल को आप निकाल भी सकते हो, मतलब तार वाला कोई चक्कर नहीं है, माइनस प्लस। और जो उसको स्टॉक की जगह भी है, वहाँ भी बूफर लगेंगे। ठीक है। तो जो सारे फिटिंग आपको अंदर दिखाएंगे, इसके अंदर सारी चीज समझा दी आपको, आगे एक्टिव, पीछे पैसिव, और मोनोमली फायर दिखा दिए, बुफर दिखा दिए। ठीक है। इससे जिसको साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर चाहिए कि मुझे अच्छी चाहिए, तो आप एक्टिव में काफ़ी क्लियर आवाज आती है। और ऑडिशन के साथ एक आ गया बिकॉन, जो इनके साथ ना ब्लूटूथ नहीं आते। अच्छा। अगर आप डायरेक्ट फोन से सुना, आप क्या होता है कि जो कंपनी के हेडमेट है, जो कंपनी फिर हेडमेट है, उसमें कई हेडमेट में दिक्कत आती है। अच्छा। कि आवाज़ ढंग, जैसे कि हम वॉल्यूम कुछ करते हैं उसमें आवाज़ नहीं बन पाती है। ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या आ गया, ऑप्टिकल के थ्रू आप बिकोने का आ गया, को आप ब्लूटूथ भी एक्टिव कर सकते, मतलब लगा सकते इसके साथ। वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया 1500। इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, महंगा कैसे है या बहुत ज़्यादा ही महंगा है? ये आ गया आपका जो आप बिकोन कह रहे हो ब्लूटूथ का, ये देखो MRP कितनी होती है। MRP दिखाता हूँ आपको। ये आगे ये बिकॉन, ये आपका क्या है, इसका जैसे बिकॉन हो गया, ये आप
इससे क्या होता है कि हम डायरेक्ट अपना फोन पेयर करके डायरेक्ट हम प्रोसेसर से भी सुन सकते हैं कि अगर हेडफोन हमारे पास नहीं भी है तो हम डायरेक्ट इससे फोन से सुन सकते हैं। ऐसे आउटपुट की बात करें, काफी जो आपकी कंपनी फिटेड हेडफोन है उसे काफी बेटर इससे साउंड क्वालिटी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा ऑडिशन है इसके अंदर क्या है कि बीटी नहीं है, कि प्रोसेसर है कि इनबिल्ट बीटी दिए है। हाँ। इसके अंदर ना बीटी कोई भी सीरीज में बीटी बनाया ना ऑडिशन ने, तो इसने अपना अलग से निकाल दिए। तो ये ऑप्टिकल के थ्रू आपका ये बीटी कनेक्ट हो गया इसके साथ। ठीक है, हाँ। और जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग भी दिखा रहा आपको, कौन सी डैम्पिंग रहने वाली है, ऑडियो फिल का, ऑडियो फिल की इसमें भी ये डंपिंग ऑडियो फिल का है। और ये आपका 2.5 है। ठीक है, ये हम पर डोर और डिक्की करेंगे। साइड करोगे जहाँ बूफर लगेगा? हाँ, साइड पे होगा, गत्ते भी होंगे, मतलब जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ डंपिंग करेंगे। अभी हमारी नई गाड़ी 2022 है, आपको नई सफारी है। हाँ। तो डंपिंग हम जहाँ जहाँ जरूरत है, डार्क कंडीशन महंगे वाली, हाँ जी, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हर जगह करेगी। एक नई चीज मेरे पास और भी आया है। क्या? जो आपका डंपिंग डॉक्टर आर्टेक्स है, ये आपका रहता है फर्स्ट इंडिया कैसे, हाँ जी, ये 2.5 है, नहीं 4.0 होगी ना, 4 mm आपका डैम्पिंग 4 mm है। ये काफी आपकी मोटी है, मतलब इस ये देख इसकी थिकनेस की डैम्पिंग आपने कभी देखी नहीं होगी, ये मतलब 4 mm है। अच्छा, हाँ, नहीं तो 1.8 2.0 2.1 2.3 ये लास्ट था, 2.8 हाँ जी, ये प्रॉपर 4 mm आ गई, तो काफी बेटर है। जैसे किसी को फ्लोरिंग करना है, जैसे मारुति की गाड़ी है, टोयोटा गाड़ी काफी हल्की है, हाँ। आपको रोड नॉइज आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आप ये डंपिंग करवा सकते हैं, काफी बेटर है। 4 mm की है ये, प्रॉपर फ्लोर के लिए मतलब ये बनी गई है। ठीक है, सीट भी आपकी इतना सही है, ये सीट नहीं बड़ी सीट नहीं, छोटी छोटी सीट है। अच्छा, हाँ, काफी अच्छी, मतलब रोल नहीं है पूरा, हाँ रोल नहीं है, मतलब इस हिसाब से दिया, फ्लोरिंग हिसाब से दिया कि आप काट काट के अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सुंदर भी लगा, हाँ जी, सुंदर भी है, डॉक्टर आर्टेक्स की दुनिया सबको पता होगा, ब्रांडेड है। तो ये चीज फ्लोर के लिए आई है, तो ये चीज हम अभी लगा नहीं रहे। ये पर सीट कितने की पड़ जाएगी, 4 mm वाली? ये पर सीट आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, और नहीं बताएंगे भाई, लिख के ले लो। नहीं नहीं बता देंगे, और जो सारे चीज मैंने आपको बता दिया, ताकि कस्टम पोर्ट बन रहे तो सारे चीज आपको गाड़ी के अंदर हम फिटिंग दिखाते हैं। बीकॉम की प्राइस बताना कितने की पड़ेगी, है 5-6 हजार की है, ये 5-6 हजार की नहीं है, ये काफी महंगी है। कितने की? इसकी एमआरपी रहती है 24,000। 25,000 25,000 25,000 का 50% ले लो इनसे, ठीक है? नहीं, 50% नहीं आएंगे इसमें, आपको 20-25% आते हैं, बहुत है, मोटा मोटा 10,000 की होगी। तो सारे चीज आपको दिखा दिया, और बाकी चीज आपको गाड़ी के अंदर फिटिंग दिखा देंगे। अच्छा, कि कैसे कैसे फिटिंग की है, तो सारे चीज आओ गाड़ी के अंदर हम सारी चीज दिखाते हैं। तो भैया एक बार अपनी गाड़ी में चले, जो अपनी बाहर खड़ी है टाटा सफारी, हाँ, आपको सारा फिटिंग वुटिंग दिखा देते हैं। ठीक है, और अपनी गाड़ी आज रेडी हो जाएगी पूरी प्रॉपर? आज रेडी नहीं होगी भैया, कल होगी रेडी, कल होगी। चलो, अगर बात करें जो अभी आपको अंदर भी दिखाया था मैंने, हाँ, अंदर दिखाया था आपको, ये देखो, ये जो कंपनी फिट सब वूफर है, ये मान लो एक राउंड ओवल स्पीकर है। अच्छा, ओवल, ये कंपनी फिट वूफर है, ये वूफर है, हाँ जी, क्या सफारी में कंपनी फिट वूफर है। अच्छा, ये आप इसके मैग्नेट देख सकते हैं, और ये वूफर है, इसकी जगह आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम कस्टमाइज खुद अपना बॉक्स बनाए। ठीक है, जो आप फिटिंग देख सकते हैं 8 इंच की प्रॉपर बूफर, जो आपको सारी चीज़ अंदर दिखाया था कि मैग्नेट कितनी हैवी है, और आपका 400 RMS रहने वाला है। क्या बात है, ये मेरे हिसाब से 100-150 RMS होंगे, जो कंपनी फिट है। 100 भी कहाँ लग रहा है, 100 भी नहीं लग रहा है, 50-60 RMS लग रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर 400 RMS लगाए हैं, और बाकी आपको हम सुन के बताएंगे इसका क्या रिपोर्ट आता है। ठीक है, हाँ, ये अभी मैंने प्रॉपर मतलब कि जगह नहीं थी, लेकिन हमने इसके अंदर अपनी जगह खुद बनाई है, मुझे मतलब पूरा है कि इसके अंदर आवाज़ आ जाएगी, हिसाब से मैंने आवाज़ बनाया, डंपिंग भी किया प्रॉपर, इसकी पता लगेगी, वो तो कल ही वीडियो खत्म सुन के आपको हम कंफर्म कर देंगे कितनी फ़र्क है दोनों में। ऑलमोस्ट इसके अंदर के 50-60 RMS से 400 RMS बहुत फर्क है, बाकी आप फिटिंग भी दे सकते हैं, जो इसके पीछे की चेसी है इसमें हम पूरी डंपिंग की है, डंपिंग करिए भाई, प्रॉपर प्रॉपर डंपिंग की है, और आप बूफर के फिटिंग भी दे सकते हैं, प्रॉपर फिटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी आई थी ना अपनी, मतलब कुछ डंपिंग वैम्पिंग नहीं, वैसी थी अपना, हाँ बिल्कुल, गाड़ी वैसे थी। और जो आपका इसकी साइड के जो कवर है वो भी लगा के हम फिटिंग दिखाएंगे, जैसे स्टॉक गाड़ी पहले दिख रही थी आपकी, वैसे ही दिखेगी। ठीक है, ये आपको नहीं लगेगा कि अलग से बूफर अपग्रेड करवाए? ठीक है भाई, जो अपनी गाड़ी में लग के आया था ये था, देख रहे हो भाई, डम्मी कुछ भी नहीं है, वेट भी नहीं है इसका, तो ये तो स्पीकर से भी हल्का है, हाँ स्पीकर से भी हल्का है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी है, अगर बात करें तो मतलब अगर बेस की लग रहा है तो 19-20 की फर्क उतनी बेस नहीं, इसमें मुझे आएगी आपको बेस में तसल्ली हो जाएगी। कितने बूफर लगा रहे हो, एक या दो? एक बूफर लगा रहे हैं बस, इसके 8 इंच की 6 इंच जो अंदर दिखाया था आपको वही बूफर है। ओके, मतलब काफी फर्क है, अगर हम बात करें कंपनी फिटेड तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, समझ लो 100 ये उनका 30-40 भी नहीं है।
10% है। क्या बात है, एक बार चलें आगे। और बाकी डोर्स का भी जो डैम्पिंग पे स्पीकर स्टिकर लगाए वो भी दिखा देते हैं आपको। जैसे कि जो आपने अभी बुफर की जगह दिखाया आपको, वहाँ की आपको पूरा प्लास्टिक कवर है। बड़ी सुंदर है यार, बहुत अच्छी डैम्पिंग है भैया। 2.5 है, अगर किसी कंपनी ने 2.5 बहुत कम होगा, एक आध कंपनी होगी, लेकिन अभी मेन इस रेंज के अंदर बहुत अच्छी है। बड़ी थिकनेस भी है, थिकनेस भी अच्छी है, पकड़ भी अच्छी है, लुक भी अच्छी है। अगर बात करें जो हम जहाँ बूफर लगा रहे हैं वहाँ की जगह है, मतलब प्लास्टिक के पार्ट है। अच्छा, अगर हम जैसे अगर वाइब्रेशन ना करें, वाइब्रेशन ना करें, बिल्कुल आपके JBL लिखा हुआ है, लेकिन JBL पर स्पीकर है नहीं, उसके अंदर आपको दिखाई दिया हमने। मुझे लगा था पता नहीं JBL में क्या दिया हुआ, लेकिन जब अंदर इस बूफर को बाहर निकाल के देखे तो कुछ नहीं, मजाक ही लग रहा था मुझे तो। और बाकी जो डोर्स का भी है, इनके भी स्टॉक स्पीकर वैसे ही है, मतलब नॉर्मल। इसके अंदर भी हम 2 लेयर डैम्पिंग की है, ठीक है। अगर आप जैसे, मैं चेक करवा सकता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से आवाज़ आ रही होगी, और आपके अगर कंपेयर करें, खाली जमीन आसमान की फ़र्क है बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे कभी जो हमारा रोड नॉइज बहुत कम आती है, बात करें जो स्पीकर की आवाज़ है बहुत बेटर क्वालिटी आती है, एक तरह से समझ लो कि हमारा बूफर के बॉक्स बन जाता है। और ये आपका इसका स्टॉक रिंग ही है ये, मतलब काफ़ी आपको लगता हुआ हेड भरे हैं, लेकिन इनका स्टॉक ही है जो कंपनी वाले दे रहे हैं। और मुझे इसका चेंज करने की ज़रूरत लगा नहीं, इसीलिए जो इसका स्टॉक आपका रिंग वाटर गार्ड उस हिसाब से बना हुआ, उस हिसाब से हमने इसका। अच्छा, मतलब इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया, जो वाटर गार्ड लगाते हैं। हाँ, वाटर गार्ड लगाया, वाटर गार्ड इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा हाँ, और ये पिलर आपका फिट हो रहा है, आप ये देख सकते हैं, ये अपना संतोष भाई कर रहा है। हाँ, ये फिटिंग आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी पूरे पोर्ट बनाए हैं अपने। हाँ, प्रॉपर पोर्ट बनाए, और ऑलमोस्ट अगर पूरा काम हो जाएगा फिर आपको हम पूरा इसकी फिटिंग दिखाएंगे, ठीक है। और ये नहीं कि भैया पेचकस से काम करें, प्रॉपर हमने मशीन रखी हुई है कि कहीं हाथ स्लिप हो गए, ना ना बिल्कुल नहीं। जो आप हम पेचकस से करते हैं उसे कई बार हाथ स्लिप हो जाता है, मशीन से कोई स्लिप नहीं है। और डैम्पिंग की आप क्वालिटी देख सकते हैं, लगाने के तरीके दिखा सकते हैं, जहाँ जो कट है ये चीज, ये नहीं कि भैया जहाँ मर्जी से मर्जी लगा भाई, देखो कहीं से भी लूज नहीं, अपनी प्रॉपर है, जहाँ प्रॉपर अपनी वही बैठी हुई है प्रॉपर। हाँ, तो आपका ये था, ये चीज़ दिखा दिया मैंने। कोई वायरिंग कटिंग तो नहीं करी इसके अंदर? कोई वायरिंग कटिंग की नहीं की है, सारा अपना अलग से वायरिंग की है। ये आपका कन्वर्टर का वायर भी देख सकते हैं, ये बाहर की बाहर है। और यहाँ हमने अभी इसका, हमें इसके कपलर नहीं मिले, हमने अपने पिन बना के डाल दिए कि आपको वारंटी खत्म ना हो। पीनी के वायर को पंच किया हमने, इसके अंदर जो हमारे पिन आते हैं अलग से, वो पिन हमने उसके अंदर तार बना के और पिने डाल दी कि आपकी वारंटी वायर ना हो, कोई दिक्कत ना है। और जो अगर बात करें कंपनी फिट हेड यूनिट की, वो तो हम किसी गाड़ी को खोलते ही नहीं। अच्छा, हाँ, वैसे खोला भी नहीं किसी गाड़ी की, नहीं खोलते। पर गाड़ी खोल देते हैं, स्टीरियो नहीं खोलते। गाड़ी पूरी खोल देते हैं, स्टीरियो नहीं खोलते, तभी हम डोर डंपिंग कर रहे हैं। और आपका फ्लोरिंग तो नहीं हो रही अपनी? फ्लोरिंग अभी नहीं हो रही, ठीक है। अभी कल तक देखते हैं, अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो फ्लोरिंग करेंगे, उससे फ्लोरिंग की है, बाकी देखते हैं भाई। रात देखो हो चुकी है, रात हो चुकी है, 11 बजाई चुकी है ना, और ऑलमोस्ट डैम्पिंग हुई। बड़ी सुंदर लग रही है, जो भी अपनी डैम्पिंग लग रही है ऑडियो फ्यूल की, रेड कलर वाली, बहुत सुंदर है भैया। जो अभी तक मैंने लगाया मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, लिखा हुआ जो उसका है, मतलब क्या लगी गाड़ी वाली लिखा हुआ नहीं, मतलब देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, लिखा हुआ ऑडियो फ्यूल। हाँ, ऑडियो फ्यूल लिखा हुआ है। हाँ जी, ये अपना 2.5 mm, ये 2.5 mm है, काफ़ी थिकनेस मोटी है, ठीक है। और इसे गुटेल भी अच्छी है, जो अगर बात करें अलमुनियम की वो भी अच्छी है। क्या बात है। और जो हमारा स्पीकर वगैरह है, पावर केबल है, सारी चीज़ आपको दिखाई दिया मैंने, ठीक है, उसी हिसाब से कर रहे हैं। ऊपर कौन सा लग रहा है? ये भी ऑडिसन, ये भी ऑडिसन है। अच्छा, अपना जो आप जो चीज़ अंदर दिखाया वही चीज़ इसके अंदर लगा रहे हैं। आगे वही देख रहा हूं, आगे ऑडिसन के 3 bay लगा रहे हैं, और ऑडिसन के 2 bay, और ऑडिसन के 9 channel विद DSP एम्पलीफायर। ये ना हो ना, अंदर कुछ और दिखा दिया, बाहर कुछ और लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, और जो हम लखनऊ वाली गाड़ी में वीडियो बनाए थे, समझ लो वो वीडियो देख के इन्होंने आया है, और वैसे ही काम करा रहे हैं। क्या बात है, नाइस। क्या अपनी गाड़ी का टॉप मॉडल ही है, डार्क एडिशन। हाँ जी, टॉप मॉडल गाड़ी है। हाँ संतोष भाई, मज़ा आ रहा है काम करने में? बहुत मज़ा आ रहा है, टाइम ओवर हो रहा है बस थोड़ा सा। अभी तो कल भी करना है अपने काम है। चलो ठीक है भाई, काम करो। ये अपनी मशीन है जिससे अपना काम करते हैं, ये टाइट करते हैं स्क्रू। कह रहे पेच का सब लगाते नहीं। और जैसे जैसे काम हो रहा है तो मैं आपको सारी चीज़ वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या किए नहीं किए। तभी पिलर पोर्ट हो रहा है, और आपकी गाड़ी अभी खुली है। ये बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। जैसे वो जैसे डंपिंग है वैसे ही आपका ये है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं अपनी डोर में तो पूरी प्रॉपर होगी डैम्पिंग। हाँ, प्रॉपर हुई है, मतलब इसके डोर्स भरे हैं। वैसे नॉर्मली हम दो सीट लगाते हैं, इसमें कम से कम हमें पर डोर 3 seat लगे। हाँ, 3 तो लगेंगे। हाँ, 3 seat पर डोर लगी है भाई, क्योंकि जो दरवाजा पीछे ही पड़ा हुआ है, ये वाले दरवाजे देख लो। हाँ, डोर्स ही है, इस पर भी अभी डैम्पिंग करेंगे, वो भी दिखाएंगे। है गाड़ी है, मजबूत है, काफ़ी मजबूत है, गाड़ी भी अच्छी है। मतलब अगर अंदर से बात करें पूरी खुली खुली है, ये नहीं कि भैया दबा हुआ है, मतलब जिसकी हाइट अच्छी है वो बैठ सकते हैं, छोटे लग रहा है, वो लग रहा है, ये लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। अगर बात करें सनरूफ भी है,
पूरा है, मून रूफ है। हाँ हाँ, इसके सन रूफ खोल के दिखाएंगे, इसे विटरा के दिखाया था। हाँ हाँ ठीक है, ये अपने भाई हैं, एक सैबी बॉय, सैबी भाई अपना एक। इसको भाई को भी फेमस करना है, भाई की इंस्टा आई डी दिखो, बताओ भाई। S4PH III भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो भाई का। और चंदू भैया अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया, सफारी का काम पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर जो आपको हम ऐसे दिखेंगे, जो पहले मैंने दिखाया नहीं था आपको वीडियो में, ऐसे हाँ। काम किया हमने इसमें, आप बूफर भी देख सकते हैं, 6 इंच की लगाया, जो आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, जिन्होंने लगा दिया सफारी में। ठीक है। और इसका बॉक्स बिल्कुल कम्फर्ट है, मतलब कहीं भी बिल्कुल छोटा सा, अरे बड़ा पिद्दा सा है। अगर बेस की बात करें तो बेस की पूरी तसल्ली है, मतलब प्रॉपर गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं लग रही बेस की। अच्छा, इतनी बेस है इसके, मतलब जितना अपना 12 इंची का आता है, जितने 12 इंच है उतनी आपको 6 इंच में बेस मिलेगी। और पहले बात है कि मैंने सारा चीज टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बूफर देख सकते हैं, मतलब और पेटी भी छोटा साइज है, डिसेंट साइज है। और प्लेगन प्ले भी लगा दिया मैंने, कभी कल का निकालना हो और लगाना हो। एक बूफर आपका जो इधर साइड में था, जो साइड में आपको दिखाया था पहले ही, हाँ। स्टॉक जगह एक बूफर यहाँ भी है। ठीक है, वो नाम आ रहा होगा इसका। हाँ। भाई ये अगर कल को हमें पेटी निकालते हैं कहीं बाहर जा रहे हैं, हाँ। तो हम यही प्लग लगा दिए, जो कि अच्छा अच्छा मतलब ये निकल जाएगा और वो अपना बचेगा। आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये प्लग आ गया, ये देख सकते हैं वीडियो में आप, ये यहाँ लगा दी। अब भाई आपका जो स्टॉक बूफर है ये तो एंड ही कर दिया काम आपने। और सेम अगर ये हमें नहीं सुनना हमारे को, तो सीधा हम लगा दिए। अच्छा, मतलब दोनों में से कोई एक ही बजेगा। हाँ अच्छा अच्छा, दोनों कट्ठे ही बजा सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत है, एक भी बज रहा है बहुत है, दो क्या। और जो फ्रंट का है, फ्रंट में आ जाओ, पैक तो आपने कर ही दिया सारा। फ्रंट में आप देख सकते हैं, जैसे कि आगे 3 वे एक्टिव किया है, तो अपनी कंपनी वाली है, आगे 3 वे एक्टिव किया, पीछे पैसिव किया, जो अंदर आपको सामान सारा दिखाया था। ठीक है, सेम सामान लगाया मैंने इसके अंदर। ओके, और इंस्टॉल हो गया, और सारी चीज दिखाता हूँ आप कस्टमाइज। पहले पोर्ट देख सकते हैं किस हिसाब से बनाया मैंने। ठीक है, दोनों तरफ का पोर्ट देख सकते हैं। अच्छा पोर्ट, भाई पोर्ट, ये पिलर पोर्ट हो गया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उधर की भी देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं। भाई फिनिशिंग देखो, मतलब कपड़ा ये नहीं है, मतलब फूल रहा है, बाहर आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी। और आप एमली फायर के फिनिशिंग, ऊपर वाला तो अपना ट्यूटर है ना। हाँ, ऊपर वाले ट्यूटर है, मिड रेंज है, और नीचे मिड बेस है। ठीक है ठीक है, आगे 3 वे कर दिया, पीछे पैसिव आपका 2 वे कर दिया। ठीक है, अगर बात करें तो ये 9 चैनल DSP 8 चैनल एम्पलीफायर है। ओके, जो कि आगे इस पे एक्टिव है और पीछे 2 वे पैसिव है। मेरे को लग रहा है आप हर गाड़ी में यही लगा रहे हो बॉडी सन। और आपका ये मोनो एम्पलीफायर है, हाँ। ये 57 मेगा की, जो हमने वूफर के लिए यूज कर रहे हैं। और आपका बीकॉन, ये आपका BT, मतलब जो जैसे ब्लूटूथ हो गया, कि जैसे कि इससे डिवाइस करके हम इसे डायरेक्ट चला सकते हैं। इसमें तो स्क्रीन मिली होगी, छोटी सी स्क्रीन भी है, स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ आपको, ये स्क्रीन हाँ। इसका ये है, हाँ, हम यहाँ से ये ऑडिशन का स्क्रीन आ गया इसका भी। अभी ये तो बड़ी सुंदर है। हाँ, अभी सुंदर, अभी ऑफ है ये, मतलब तो इसी से सारा कंट्रोल हो जाएगा अपना। हाँ, बाकी आपके प्रॉपर नीचे MDF बोर्ड बनाया गया है, इसके अंदर ही मतलब सारे अंदर ग्राउंड वायरिंग है, जो वायरिंग बाहर नहीं है अपनी भाई। ये देखो, देख रहे हो भाई, ये ऑप्टिकल वायर है, इसलिए हमने बाहर रखे, इसे हमने टाई बेल्ट नहीं मार सकते, ये ऑप्टिकल वायर है। ओके, ये ऑप्टिकल के थ्रू हमारा इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, जो हमारे बीकॉन है, बीकॉन से हमारा जो 9 चैनल का DSP है, हाँ, इसमें जा रहा है ऑप्टिकल वायर, कि हम BT से सुन पा रहे। भाई अगर किसी को ऐसी वायरिंग चाहिए ना भाई, एक ही जगह पे आना पड़ेगा आपको। कहाँ पे आना पड़ेगा? ड्रीम ऑडियो चंदू भाई, रमेश नगर चंदू, पिलर नंबर 343। क्या बात है भाई, ऐसी वायरिंग करानी है, साफ सुथरा करना, गंद नहीं पाना। तो बिल्कुल गंद नहीं पाना है। मैंने आपका मतलब कि सारा मतलब काम हमेशा हर गाड़ी के अंदर देखते होंगे आप लोग वीडियो, तो काम तसल्ली से, टाइम जरूर फालतू लगता है 1.5-2 घंटे, और काम आपको बिल्कुल तसल्ली से भाई होती है। देखो टाइम से इतना वो नहीं है वैल्यू, मतलब काम ओके होना चाहिए, तार बाहर नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं भाई, काम बिल्कुल ओके है, बाकी आपके सामने सारा चीज आप दिखा सकते हैं। ये अपना सीट के नीचे देखो भाई, 1, 2, 3, मतलब तीनों चीज अपनी सीट के नीचे। दो एमली फायर भी देख सकते हैं, किस तरह सारे अंडरग्राउंड वायर है। पैरों में तो नहीं आएगा पीछे? नहीं नहीं बिल्कुल पैरों में नहीं आएगा, आप वो देख सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका ये DSP हो गया 9 चैनल एमली फायर, और जो आपका ये रहता है 57 मेगा की, ये आपका मोनो एमली फायर है। ओके, ये भी प्रॉपर आपका MDF बोर्ड के अंदर होल करके तार अंदर ग्राउंड की है, हीट सिंक लगाई गई है, मतलब कोई जुगाड़ नहीं है कि आपको कई तरह से कोई कॉपर बाहर आ रही है, हाँ, कुछ आ रही है, उस हिसाब से जिसके एक एक तार के होल है। ओके, सारे अंदर ग्राउंड तार है। यस यस, हाँ, बाकी आप सारा फिटिंग देख सकते हैं, आपका वो बेस नॉब दिखाई दिया है। बोलो, ये पिलर पोर्ट है जो कस्टमाइज खुद बनाते हैं, ये आपका देख सकते हैं, जैसे एंगलिंग करते हैं हम अपने मतलब किस हिसाब से चाहिए, हाँ। ड्राइवर हिसाब से, पैसेंजर हिसाब से, ये तो नहीं है मतलब कहीं भी लगा दो। नहीं नहीं, ऐसे कहीं भी एंगल लगा दो, ये नहीं फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, हमेशा उसका एंगलिंग होता है कि साउंड क्वालिटी आपको कहाँ चाहिए। अच्छा, उस हिसाब से तभी मजा आता है।
मतलब ये मतलब पोर्ट मतलब वो करना ही पड़ता है। क्या करते हैं कि डोर में कटिंग करके लगा देते हैं, फिर वो मजा नहीं आएगा, लगा लोगे लेकिन मजा नहीं आएगा, जो सामने से आवाज आती है उसकी अलग ही फीलिंग है। वो तो फिर भाई हमारी गाड़ी में तो वही है, हमेशा जो थ्री वे लगवाते पोर्ट ही बनाते हैं, कस्टम पोर्ट बनते हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी चीज सारा चीज दिखा दिया आपको, बुफर भी छेद के दिखा दिया आपको, बेस भी दिखाएंगे। एक चीज रहेगी, एक तो वायरिंग रहेगी आगे से और अपना म्यूजिक रह गया। हाँ, आपको वायरिंग भी दिखा, मैं तो सुनूंगा भाई, कह रहे मजा आ रहा है। नहीं, ये वायरिंग भी देख सकते हैं आप, क्या बात, सांप बना दिया आपने, पूरा ऊपर स्लीप चढ़ा हुआ है, ये फ्यूज है और आपका ये स्लीप चढ़ा हुआ है, अंदर ग्राउंड वायर है ये। अच्छा, यहीं से ही? हाँ जी। अच्छा, अपने में तो रबड़ होती है ना पूरी? हाँ, रबड़ होती है। नहीं, इनके अंदर अंदर काफी अंदर जाके सफारी गाड़ी है, हर गाड़ी के तरीके अलग है वायर डालने की, इसमें काफी अंदर जाके अंदर। ये तो अपनी सॉलिड भी है गाड़ी, बहुत गाड़ी सॉलिड भी, इसकी बूट काफी हार्ड, जो नॉर्मल गाड़ी उससे अच्छी गाड़ी है। क्या बात है। हाँ, अगर आवाज की बात करें, आवाज भी काफी अच्छी आई है। हाँ, मैंने सारा चीज़ उसे चेक कर लिया। अब पीछे क्या लगाया हमने, पीछे ट्यूटर कहाँ लगाए हैं? फिर पीछे इसका ऑडिशन वोचे है, जो आपका ट्यूटर है, ट्यूटर इसका जो पहले JBL के स्टॉक थे, तो उसको स्टॉक हटा के स्टॉक जगह पे लगा दिए। भाई JBL नहीं है अपना, वही लगा हुआ है ऑडिशन, ऑडिशन वोचे के। यहाँ आपका ट्यूटर आ गया, यहाँ मिडवेस आ गया, तो पीछे हमने भी पैसिव कर रखे, आगे एक्टिव कर रखे। पर कोई नया बंदा तो कहेगा ये तो भाई JBL का साउंड है पूरा। नहीं नहीं, JBL का साउंड नहीं है, आपकी जो साउंड की बात करें, जो स्टॉक है और ये है, इसमें काफी फिर तो कहेंगे हर बंदा यही गाड़ी लेते हो भाई, इतना मजा आ रहा है तो गाड़ी के अंदर। नहीं नहीं, साउंड अपग्रेड है बिल्कुल, और बाकी सारा काम हो गया। आपको म्यूजिक प्ले करके सुनाता हूँ, ठीक है, बाकी चीज और बताता हूँ कैसे क्या किए। ये हमारा दोस्त सैबी बॉय, बूफर दिखाता भाई, देख लो कितनी कंपनी है उसकी। हाँ चंदू भैया, ऊपर तो देखो एक बार, ऊपर ऊपर ऊपर, ओ फिर देख इच भी है, पर इच शीशा पूरा नहीं जाता, जाता नहीं जाता, वो ग्रैंड विटारा जाता है पूरा, करके देख एक बार, जान दे, एक ही खुलता सिर्फ देख। अच्छा, हाँ एक ही खुलता होगा। नहीं यार, खोल है वाला भी, हुन खोल दोबारा, वो देख। नहीं, कह रहे हैं ना एक ही खुलता, फिर है, फिर पूरी गलबात मित्रा दी नहीं है ना, फिर बेटा तो शेड नहीं देखा किदा था, है ग्रैंड उठा रहा था यार, फिर चद्दर। अरे चंदू भैया, इंटीरियर में आ गया हम, पूरा हो गया इंस्टॉल, सीट वीट पैक कर दी पूरी, आपका सारा चीज पहले दिखा दिया। और जो अगर बात करें हम एक्टिव के बाद सेटअप करते हैं, तो जो हम ऑडिशन की नैन चैनल DSP और एडिशनल एमली फेयर लगाए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी बेटर, जो हम पहले फॉर्चुनर में किए, तो फॉर्चुनर में हमने टू वे किए थे, ठीक है, और इसके अंदर हमने थ्री वे आगे किए और पीछे टू वे किए। जो फॉर्चुनर के तो टू वे आगे थे और अपना रेयर भी टू वे थे, ठीक है, इसके अंदर हम आगे थ्री वे कर दिए और पीछे टू वे कर दिए। क्या बात है। और अपना स्टीरियो तो स्टॉक ही है, कंपनी फिटेड ही है, स्टीरियो तो स्टॉक है, लेकिन जो हम बीकॉन लगा दिए बीटी, हम डायरेक्ट उसमें और मजा आ रहा है सुनने में, हेडफोन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सुन सकते हैं हेडफोन से, सुन सकते हैं और वहाँ डायरेक्ट प्रोसेसर भी सुन सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, लेकिन जो डायरेक्ट प्रोसेसर काफ़ी बेटर आउटपुट और आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, फील आ रहा है। इसमें भी अपना लैपटॉप से ही सेटिंग होती है? हाँ, इसमें भी लैपटॉप से, मतलब जितने भी आप एक्टिव सेटअप करते हैं या प्रोसेसर लगाते हैं लैपटॉप से ही होता है। तो पैसिव में क्या है कि आपका उतना मैटर नहीं करता है, जो एक्टिव है उसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आपको प्रॉपर ध्यान रखने पड़ते हैं कि कोई सामान आपका ख़राब ना हो। ट्विटर को क्या देना है, मिड को क्या देना है, मिड बेस को क्या देना है, बुफर क्या देना है, ठीक है। और इसमें आपका इसमें टाइम अलाइनमेंट भी आता है, अगर हम टाइम अलाइनमेंट कर देते हैं जो भी आपको दिखाई नहीं करते हुए, तो उससे काफ़ी सराउंड अच्छा हो जाता है। अच्छा, आपको ये लगेगी हर जगह से आवाज़ आ रही है, जैसे आप करते हैं। हाँ, आप ड्राइवर के हिसाब से कर सकते हैं, पैसेंजर के हिसाब से कर सकते हैं, जहाँ बैठते हैं आप, जहाँ आपको चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी बेटर फील होता है। मैंने नॉर्मल भी सुन के देखा है और आपका जो टाइम लिमिट करके देखा, काफ़ी मुझे बेटर लगा कि सराउंड इफेक्ट थोड़ा बेटर हो जाता है। भाई शीशा देख रहे हो ऊपर पूरा भाई साहब, एंड वाली बात, सारा सारा फिटिंग दिखाई दिया है। और बाकी आप गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो आप थ्री वे के द्वारा मतलब बैठ के एंगलिंग देख सकते हैं कि जैसे जो लेफ्ट साइड की है बिल्कुल राइट साइड आ रही है, और जो राइट साइड की है बिल्कुल लेफ्ट साइड जा रही है। भाई ऑडिशन भी सीधा लिखा हुआ, पहले तो उल्टा लिखा था। हाँ, मतलब सारा चीज ट्विटर भी देख सकते हैं। अब फाइनल होगी ना गाड़ी, इस करके इन्होंने बिल्कुल ओके रिपोर्ट कर दिया। सारा चीज आप देख सकते हो, मैंने अभी भाई सेटिंग दिखा दूं दोबारा, लैपटॉप भी कनेक्ट कर दिए और सारी चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं म्यूजिक प्ले करके सुना सकता हूँ, आउटपुट का भी काफी लगे, सेटिंग अलग है, फॉर्च्यूनर जैसी सेटिंग है भाई, देख लो फॉर्च्यूनर की दूसरी है और इसकी दूसरी है। ये देखो भाई, जूम करके दिखा रहा हूँ, चेक कर लो एक बार, ठीक है। जो भी अपना होता है ना ये डॉट डॉट सब जूम को जूम करके देख लेना, अपने आप ही गुरु बन जाना सबके, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। और जो मोन एम्पलीफायर वगैरह दिखाई दिया, जो चेंज के हमारा बूफर भी थे,
तो अभी आपको वीडियो में दिख जाएगा काफ़ी अच्छा फील आ रहा है वूफर का भी, मतलब अगर बात करें तो पूरा शीशा उसे काँप रहे हैं, शीशा काँप रहा है। जो हमारे भैया है उनको ना बेस थोड़ी कम चाहिए, इसलिए मतलब बेस उठाने रहे, अगर आप किसी को बेस अच्छी चाहिए मतलब 8 इंची में इतनी बेस, 8 इंची नहीं 6 इंच, अच्छा 6 इंच जी तक तो आठ रहा है। हाँ जी, जो 12 इंच में फिल नहीं आती नॉर्मल बुफर में वो 6 इंच में आ रही है, बिल्कुल जगह भी छोटी मतलब छोटा मतलब अभी जगह बच रही गाड़ी की। और बात करें बेस की क्वालिटी, हाँ। लो फ्रीक्वेंसी है मतलब सारा बेस बीट भी मतलब कि प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक बुफर आप ही लगा सकते हैं। और ये भी तो दिखा दो थोड़ी सी डिस्प्ले कैसी है, और आपका डिस्प्ले भी है, ये लैपटॉप अभी कनेक्ट है इसलिए वो तो नहीं जाएगी, नहीं खो नहीं जाएगी। इससे क्या है कि जैसे हम ये मेन पर्पस से लगाए, जो हम बीकॉन लगाए बीटी, हाँ। तो उसके लिए है कि जैसे कि हम मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अच्छा। मोड चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल हो सकता है, सारा सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ ये हो गया। तो अभी तो आपका मतलब आपको बीटी से म्यूजिक प्ले करके सुना देता हूँ कि कितना हाँ। आपका फ़र्क है, ठीक है। और जो भी है बाकी सारा चीज़ हो गया, तो आपको मैं गाना प्ले करके सुनाता हूँ, ठीक है ठीक है। लैपटॉप वाला तो बता दो, हमने लैपटॉप वाला फिर काट दिया बीच में, कैसे करते हो बताओ ना यार, बंदे पूछ रहे हैं ना चंदू भैया को, बोलो अपने लैपटॉप से सेटिंग कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी बताओ नंबर। नहीं नहीं भैया फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते ना, अरे बता दो यार, करवाने हो दुकान पे हम ट्यूनिंग करके देंगे। अब इतनी दूर से बंदा कौन आ रहा है यार ट्यूनिंग कराने, क्या कह रहे हो आवाज चाहिए तो फिर आना पड़ेगा। हाँ जी। चलो भाई सीधा मिलते हैं फिर साउंड पे। हेलो भैया। हेलो जी। भैया आपका नाम? मेरा नाम मेघ सिंह है, मैं हौजकास विलेज से आया हूँ। क्या बात है भैया, आपको चंदू भैया का एक्सपीरियंस कैसा लगा? चंदू भैया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और जो भी इन्होंने वर्क किया हमारी गाड़ी में, जो सेटअप लगाया बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा मतलब आवाज़ आ रहा है। पहले एक जगह हमने लगवाया था उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था आवाज़ में, अच्छा बहुत खिर-फिर आवाज़ आ रही थी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप करके दिया है, मतलब पूरा मज़ा आ गया आपकी गाड़ी, पूरा मज़ा आ गया है, कोई साउंड से दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन? कोई कंप्लेन नहीं है, पक्की बात। वायर वगैरह भी अच्छी लगाई है, वायरिंग अच्छी लगाई है, स्लीप चढ़ा के हैं पूरी, क्या बात है, तरक्की हो रही है। नहीं भैया ने हमारे वीडियो देख के कॉल किए थे, अच्छा भाई जैसे आपने लखनऊ वाली गाड़ी काम की है उस हिसाब से कराने, और मेरे को आवाज़ अच्छी चाहिए, तो मैं बोला भैया 110% आवाज़ की मेरी गारंटी है, थोड़ी सी जो सफारी के हेडनोटे कंपनी तो थोड़ी दिक्कत है, हाँ। अगर बेसिक बात करें हम, अगर अदर गाड़ी से कंपेयर करें तो थोड़ी इसमें दिक्कत है, लेकिन नहीं मतलब बट आवाज़ अच्छी आ जाती है, अच्छा। बाकी अगर डायरेक्ट आप कोई बीटी है प्रोसेसर वाला उसे अगर बीटी डायरेक्ट बीटी से सुन रहे तो और इफेक्ट अच्छा आ जाता है, अच्छा। तो जिस हिसाब से इन्होंने बोला उस हिसाब से मैंने कर दिया, मेरी भी तसल्ली है, जो हमारे भैया इनकी भी तसल्ली है, आवाज़ बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। एक बात और, जो आपने मनी एक्सपेंड करी है वर्थ है पूरा? हाँ जी, मतलब ये तो नहीं है पैसे ज़्यादा ले लिए काम? नहीं नहीं, पैसे पूरे अच्छे लिए हैं इन्होंने, ठीक है ठीक है, बाहर से तो मतलब बढ़िया है, ठीक है। रेकमेंड करोगे कस्टमर को? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल देख लो, बिल्कुल जी, ठीक है। चंदू भैया एक बार आप अपनी लोकेशन बता दो। भैया लोकेशन रमेश नगर, और जो शॉप के नाम है ड्रीम ऑडियो, जो हमारा अपोजिट है पिलर नंबर 343 के सामने है, मेन रोड पे दुकान है, और जो नियर है रमेश नगर मेट्रो, ठीक है। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। 9211122007। एक बार रिपीट कर दो। 9211122007। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके टिल देन, बाय, चंगा जी।